हेलो स्टूडेंट, आज से हम एनविरा ऑनलाइन स्कूल पर इस चैनल पर मैं आपको 11th बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। तो आज से हम क्लास 11th बायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर। इस यूनिट में कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी दे रखी है आपके, मतलब कि आपका जो शरीर होता है, एक मानव का जो शरीर होता है उसमें किस प्रकार से श्वसन होता है, किस प्रकार से पाचन होता है, किस प्रकार से उसका हृदय धड़कता है, किस प्रकार से वो चलता है फिरता है, एक पूरा का पूरा मानव शरीर किस प्रकार से कार्य करता है, ये कंप्लीट आपको इस यूनिट के पढ़ने के बाद पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इस पूरी की पूरी यूनिट में मानव के सभी तंत्र दे रखे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उन्हीं तंत्रों को एक एक करके एक एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जो तो सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र बुक के अंदर ये आपका लेसन नंबर है 18, और इस बुक के अंदर इस चैप्टर का आपका नाम दे रखा है शारीरिक द्रव एवं परिसंचरण। नाम बड़ा अलग से दे रखा है यही है मानव परिसंचरण तंत्र। देखो समझो होता क्या है मानव परिसंचरण तंत्र। ये कोई मानव है, एक सजीव है। मानव भी एक प्रकार का क्या भाई, सजीव है। जितने भी सजीव होते हैं वो सब किन से मिलकर बने होते हैं भाई, जीवित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जीवित कोशिका। और किसी भी जीवित कोशिका को क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऑक्सीजन जो कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है उनका भी क्या चाहिए भाई, निष्कासन करना। अब ये जो पूरा का पूरा सजीव है, पूरा का पूरा मानव कोई भी जीव समझ लो, वो किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाएंगी, उत्तक से बनेंगे, अंग अंग से बनेंगे, अंग तंत्र, और अंग तंत्र से ही संपूर्ण मिलकर इसका किसका निर्माण होता है, इस सजीव का निर्माण होता है। मतलब ये कि जो ये पूरा का पूरा आपको मानव दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है भाई, बना होता है, बहुत सारी कोशिकाएं ऐसे, ठीक है। अब इन बहुत सारी कोशिकाओं को सभी जगहों को समान मात्रा में क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऑक्सीजन लेती कहां से, वायुमंडल से, ओटू ली, नाक से ली, फेफड़ा तक पहुंची। अब इस ऑक्सीजन को आपको सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना है, ठीक है भाई। खाना खाया, फूड डाइजेस्ट हुआ, भोजन का पूर्ण पाचन हुआ, आंतों से अवशोषित हुआ, अभी आपके अभी तक आंतों में दौड़ रहा है ग्लूकोज, पर यह ग्लूकोज सभी कोशिकाओं चाहिए, ऊपर से एक मस्तिष्क में बड़ी कोशिका से लेकर पांव में बड़ी कोशिका तक को सबको क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अभी अपने आप तो ऑक्सीजन दौड़ के जाएगा नहीं भाई, इसको पहुंचाना पड़ेगा। तो इन पदार्थों को, जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं, ऑक्सीजन है, ऊर्जा है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए मानव के अंदर कौन सा तंत्र होता है भाई, मानव परिसंचरण तंत्र। देखो मतलब से निकालो, परी परी का मतलब पूरे शरीर में चारों ओर, संचरण का मतलब लेना और ले जाना, किसको, ऑक्सीजन को, ऊर्जा को, बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं जो सभी कोशिकाओं को चाहिए होते हैं भाई, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाने के लिए, लाने और ले जाने के लिए क्या होता है भाई, मानव के अंदर मानव परिसंचरण तंत्र होता है। अब पढ़ते हैं कि मानव परिसंचरण तंत्र के कितने, अब परिसंचरण तंत्र तंत्र जुड़ा है तो एक अंग तो होगा नहीं उसके अंदर, बहुत सारे अंग, मानव के बहुत सारे भाग मिलकर उस पूरे पूरे जटिल कार्य प्रणाली को क्या करते होंगे भी, कार्य को पूरा करते होंगे। तो जो मानव का परिसंचरण तंत्र होता है यह मुख्यतः तीन भागों से मिलकर बना होता है। तीन भाग इसके अंदर मुख्यतः तीन अंग क्या होते हैं, मुख्य होता है। पहला होता है रुधिर, इसको क्या क्या बोल दोगे भाई, परिसंचरण माध्यम।
क्यों बोलते हैं अभी बताइए। परिसंचरण माध्यम, रुधिर है, रुधिर वाहिका है, और तीसरा आता है हृदय। मुख्यतः इन्हीं तीन भागों से मिलकर पूरा का पूरा मानव परिसंचरण तंत्र मिलकर बना होता है। देखो आपके ना चैप्टर के अंदर कुछ दे रखा है शारीरिक द्रव। शारीरिक द्रव है सजीव के अंदर जो भी द्रव पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं भाई, शारीरिक द्रव। जैसे हमारे एक मानव शरीर के अंदर कौन कौन से शारीरिक द्रव होंगे भाई, रुधिर है और लिम्फ है मुख्य द्रव। रुधिर और लिम्फ होता क्या, इन्हीं तरल माध्यमों के माध्यम से जो आवश्यक पदार्थ है उनका क्या कराया किया जाता है, परिसंचरण किया जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर मानव के अंदर परिसंचरण का जो भाग होता है मुख्यतः उसका लगभग आप समझ लो कि 95% कौन करता है भाई, रुधिर ही करता है। 5% समझ लेना भाई लिम्फ करता है, ठीक है भाई। रुधिर तो आप सब पूरा एकदम डिटेल में समझेंगे, और जो लिम्फ है लिम्फ भी रुधिर का ही एक तरीके से क्या होता है भाग होता है। देखो आपका शरीर है पूरा का पूरा क्या बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है, जटिल होता है, बहुत सारी कोशिकाएं होता है, गंग गंग तंत्र इस तरीके से बहुत ही क्या होती है, जटिल प्रणाली होती है। तो जहां पर ये मानो ये कोई कोशिका अगर यहाँ तक अगर रुधिर नहीं पहुंच पा रहा है तो रुधिर के कुछ आवश्यक जैसे ग्लूकोज है ये बाकी वगैरह ये सारे के सारे पदार्थ मिलकर या बीच में क्या होता है ऊतकों के पास चले जाता है। ये जो रुधिर से छन के जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं लिम्फ पटल। अब इतना सा समझ लो भाई रुधिर और लिम्फ होता है क्या होता है, शारीरिक द्रव होता है। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा फोकस इंद्रियों पे, बड़ा बड़ा जो बड़ा वाला भाग होता है ये रुधिर ही है, रुधिर है, हृदय है, रुधिर और हृदय पर ही पूरा का पूरा परिसंचरण तंत्र टिका हुआ, और ये लिम्फ भी पूरा आपके अलग से दे रखा है। तो इसको हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिंपल सा आपको इतना सा दिमाग में रखना है कि भाई हमारे शरीर का वो पूरा का पूरा जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक कोशिकाओं को क्या चाहिए भाई, अलग अलग पदार्थ चाहिए। मस्तिष्क पड़ी कोशिका से लेकर आपके पांव तक उपस्थित कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो इन ऑक्सीजन इन ऊर्जा इसके अतिरिक्त जो आवश्यक वो अनावश्यक पदार्थ बन गए उनको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए आपके शरीर के अंदर कौन आता है भाई, परिसंचरण तंत्र होता है। ये जो परिसंचरण तंत्र होता है मुख्यतः तीन भागों पर टिका रहता है, रुधिर है, रुधिर वाहिका है, हृदय। रुधिर तो एक माध्यम उपलब्ध कराता है, रुधिर के अंदर ही ऑक्सीजन दौड़ता है, रुधिर के अंदर ही आपका ग्लूकोज दौड़ता है, जितने भी आवश्यक पदार्थ है इन्हीं के अंदर प्रवाहित होते हुए एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचते हैं। रुधिर वाहिकाएं होती है आपके शरीर के अंदर एक छोटी छोटी ट्यूब्स का क्या होती है भाई, छाल होता है, ठीक है भाई। अब आपका शरीर देख लो बहुत सारी कोशिका उत्तक अंग तंत्र बहुत ही क्या जटिल है भाई। अगर सिंपली ऐसे ही अगर रक्त दौड़ेगा तो सभी कोशिकाओं को समान मात्रा में या पूरा का पूरा जिनका जितना उनको चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। इसलिए क्या पाया जाता है कि बहुत सारे रक्त वाहिकाओं का क्या पाया जाता है भाई, झाल पाया जाता है, जिससे प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन और ग्लूकोज सही समय पर और सही मात्रा में मिल सके। इसलिए क्या पाया जाता है, रक्त वाहिकाओं का झाल पाया जाता है। ये केवल जो विकसित होते हैं जिनका जो शारीरिक तंत्र होता है जटिल होता है उन्हीं के अंदर होता है रक्त वाहिकाएं। जिनके अंदर सिंपली जैसे कॉकरोच वगैरह उनके अंदर रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती, उनके अंदर रक्त ऐसे ही दौड़ता है क्योंकि वो छोटा सा जीव है उनको जरूरत नहीं। लेकिन जो विकसित जीव है उनका जो शरीर तंत्र है वो बहुत ही क्या होता है भाई, जटिल होता है। प्रत्येक कोशिका वगैरह तक ऑक्सीजन ग्लूकोज वगैरह सब कुछ ऊर्जा वगैरह पहुंचाना अति आवश्यक होता है, इसलिए इस तरीका का तंत्र विकसित होता है। तीसरा आता है भाई हृदय। ये पूरे परिसंचरण तंत्र की क्या होती है भाई, आत्मा। अगर आपको हृदय समझ में आ गया तो पूरा परिसंचरण तंत्र समझ में आएगा, ठीक है। आपको बुक के अंदर पहले रुधिर दे रखा है, मैं आपको पहले हृदय समझा रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रुधिर पहले पढ़ो या हृदय पहले पढ़ो। स्टार्ट करते हैं हृदय। क्या होता है हृदय, कहाँ पाया जाता है, क्यों धड़कता है, कैसे क्यों भाई हृदय के धड़कने से कोई व्यक्ति मर जाता है, ये पूरा पूरा आप हृदय को समझते हैं कि कैसे क्या होता। सबसे पहले हृदय यह एक प्रकार का क्या होता है भाई, पंपिंग ऑर्गन होता है, पंपिंग मशीन बोल सकते हो, पंपिंग अंग बोल सकते हो, क्यों बोलते हैं देखो समझो। ये पूरा क्या है भाई, मानव
अब ऐसे रक्त वाहिनियां, ठीक है, ये रक्त वाहिनियों का जाल इनके अंदर, ऐसे पूरे शरीर के अंदर इसके रक्त वाहिनियों का क्या है भाई, जाल। अब ये रक्त, अगर आप ये बताओ कि अगर आपके घर के अंदर बहुत ही एक छत के ऊपर जो टंकी लगी है, क्या टाके के अंदर से उसको भेज सकते हो पानी से बिना मोटर की सहायता से? नहीं भेज सकते। तो आपके शरीर का जो है, अब यहां से रक्त दौड़ रहा है, यहाँ मस्तिष्क तक पहुंचा रहे हैं आप, ये बिना दाब के तो दौड़ेगा नहीं। तो जो आपके घरों के अंदर जो मोटर लगी हुई होती है जो पानी को आगे भेजने के काम करती है, उसी प्रकार आपके जो बॉडी होती है, आपका शरीर होता है, उसके अंदर जो हृदय होता है, ये एक प्रकार से पानी के मोटर समझ लो। ये पानी को फोर्सफुली ना भेजकर किसको भेजेगा भाई, रुधिर को भेजेगा, दाब लगाएगा ताकि जो रक्त होता है वो आपको मस्तिष्क वगैरह प्रत्येक कोशिका तक आराम से पहुंच सके। इसलिए क्या लगाता है भाई, दाब लगाता है रक्त, रुधिर को क्या बोलता करता है भाई, पंप करता है। इसलिए हृदय को इसको क्या, हृदय को क्या बोलते भाई, पंपिंग ऑर्गन। दूसरा, ये भी हृदय का आपका सामान्य परिचय, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए भाई एक दो नंबर का कि हृदय को परिभाषित कर दिए, हृदय को समझाइए, मानव हृदय क्या है, उसके ऊपर दो तीन लाइन लिखनी हो, तो इसका सामान्य परिचय देना भाई। हृदय क्या है भाई, प्रकार का पंपिंग ऑर्गन है जो परिसंचरण तंत्र में किसको, रुधिर को क्या करता है भाई, पंप करता है। पुस्तक में लिख देते हैं, रुधिर को क्या करता है भाई, पंप करता है। जैसे आपके घरों के अंदर मोटर पानी को क्या करती है, पंप करती है, पूरे टंकी में भेजती है, वैसे ही आपकी टंकियां समझ लो, आपका शरीर के प्रत्येक, आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन है, जो आपके जैसे घरों के अंदर टंकियां नहीं है, वैसे आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग क्या है, टंकियां है, जो ऑर्गन है, उन सभी ऑर्गन्स को क्या भेजना है भाई, पानी भेजना है, रुधिर भेजना है। तो ये हृदय एक प्रकार की मोटर का क्या कर रहा है भाई, काम कर रहा है, दाब लगा रहा था कि प्रत्येक ऑर्गन के पास क्या चला जाए, रुधिर चला जाए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन। दूसरा इसको बोलते हैं, यह क्या होता है भाई, पेशी जनित होता है। केवल किसका बना होगा, पेशियों का बना होगा, कोई हड्डी और पसली नहीं होगी। इस बेचारे के पास ना हड्डी होती है ना पसली होती है, तब फिर भी आपके पूरा का पूरा जो बॉडी का जो जिंदा और मोटा बनाए रखने का काम कौन करता है, हृदय करता है। अगर आपका हृदय काम करना बंद कर दे तो इंसान समझ लो गया। लेकिन बना सिर्फ किसका बना होता है, पेशियों का बना होता है। दूसरा, मानव का जो हृदय होता है वो होता है मायोजेनिक। अभी मायोजेनिक क्या होता है भाई, मायोजेनिक टाइप का, मायोजेनिक का मतलब होता है कोई भी क्या उपस्थित नहीं होगी भाई, तंत्रिका अनुपस्थित, एक भी तंत्रिका उपस्थित नहीं होगी। देखो आपको बॉडी के अंदर क्या होता है भाई, किसी भी ऑर्गन को जो काम करना होता है वो उसको मैसेज कहाँ से मिलता है भाई, आपके मस्तिष्क से मिलता है। आपका पूरा का पूरा मस्तिष्क ही आपके पूरी बॉडी का जो जितने भी ऑर्गन है उनको क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है। लेकिन आपका जो हृदय होता है वो आपके मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं होता है। ये जो आपका हृदय का धक 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 करता है, संकुचित शिथिलित होता है, इसके अंदर आपका मस्तिष्क का कोई खास रोल नहीं होता, वो अपने आप संकुचित और शिथिलित होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई तंत्रिका नहीं होती। अब मस्तिष्क जो भी काम करवाना है वो कैसे करेगा भाई, अपने न्यूरॉन्स के माध्यम से उस ऑर्गन को क्या करता है भाई, मैसेज भेजता है। आपको जैसे किडनी है, अलग अलग लीवर है, उन सबको क्या करता है भाई, मैसेज भेजता है। अब किसी भी ग्रंथि से क्या कराना है भाई, हार्मोन रिलीज कराना है, तो आपका मस्तिष्क को क्या करेगा भाई, मैसेज करेगा भाई, हार्मोन रिलीज कर। किसके माध्यम से, तंत्रिकाओं के माध्यम से क्या करता है भाई, मैसेज भेजता है। लेकिन हृदय के पास आपकी कोई भी तंत्रिका क्या होती है, अनुपस्थित होती है। मतलब ये आपका जो मानव का हृदय है अपने आप काम करता है, उसको मस्तिष्क निर्देशित नहीं करता है भाई कि संकुचित कर या शिथिलित कर, वो अपने आप भेजता। तंत्रिका क्या होती है भाई, अनुपस्थित होती है। इसलिए ऐसा हृदय को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक। अब सबके अंदर हृदय ऐसा नहीं होता है, केवल मानव के अंदर के जो हृदय कैसा हो भाई, मायोजेनिक टाइप का, मतलब इस हृदय में कोई भी तंत्रिका उपस्थित नहीं होती है। लेकिन जो कुछ जीव ऐसा होते हैं जिनके हृदय में क्या उपस्थित होता है भाई, तंत्रिका उपस्थित हो, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक। अभी हमें न्यूरोजेनिक नहीं याद रखना है, केवल इतना याद रखना है कि हमारा हृदय कैसा है। तो हमारा हृदय कैसा है भाई, मायोजेनिक, अर्थात हमारे हृदय में कोई भी तंत्रिका उपस्थित नहीं होती है, अर्थात हमारे तंत्र हृदय को काम करने के लिए मस्तिष्क के दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद ही अपने आप धड़कता है और शिथिलित होता है, अपने आप संकुचित शिथिलित होकर, ठीक है भाई। पंपिंग ऑर्गन होता है, पैसे जनित होता है, मायोजेनिक होता है, तंत्रिका क्या होती है, अनुपस्थित। वह हृदय जिनके अंदर तंत्रिका अनुपस्थित हो उनको क्या बोलते हैं भाई, मायोजेनिक हृदय। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भाई
अगर इसके पास तंत्रिका नहीं है तो फिर ये कैसा काम करता है। अगर आपको छोटा सा छोटा पेन भी उठाना है तो उसके लिए भी आपके हाथों को निर्देश कौन दे रहा है भाई, आपका मस्तिष्क दे रहा है कि आप अब जाओ ये हाथ ये पेन उठाओ। बिना मस्तिष्क के निर्देश के आप अपने हाथ पैर को नहीं ला सकते। आप कोई भी ऑर्गन आपका बिना मस्तिष्क के बिना दिशा निर्देश के नहीं करता, लेकिन हृदय कैसे कर लेता है, बहुत ही जटिल होगा ना फिर तो। आगे बढ़ेंगे भाई कैसे करता है, अभी तो सिर्फ इतना सा कि मायोजेनिक होता है, तंत्रिका अनुपस्थित होती है अर्थात अपना कार्य स्वयं करता है, मस्तिष्क के दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। फिर स्थिति ये पाया कहाँ जाता है आपके शरीर के अंदर, कहाँ पाया जाए सबको पता है, गर्दन के ऊपर तो होगा नहीं, या तो मस्तिष्क है इतना तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी होती है 10th तक में, और ना ही पेट में होगा, कहाँ होगा चेस्ट कैविटी छाती में होगा। तो क्या लिख देंगे वृक्ष गुहा में। अब वृक्ष गुहा में कहाँ होता है भाई, वृक्ष गुहा में तो हमारे फेफड़े भी होते हैं, तो कहाँ होता है, तो समझो ये आपके दो फेफड़े हो गए वृक्ष गुहा में ही होते हैं, यदि ये फेफड़ा दायां फेफड़ा दो फेफड़े होते हैं पता है ना सबको, जो वाया फेफड़ा होगा वो इस तरीके से इस तरफ इसके थोड़ी क्या पाई जाती है खाच पाई जाती है, ये दायां फेफड़ा और ये क्या हो जाएगा बायां फेफड़ा। जो बायां फेफड़ा होता है अंदर की तरफ थोड़ा क्या होता है धसा रहता है, यहाँ ये क्या पाई जाती है खाच पाई जाती है, तो इसको क्या बोल दोगे हृदय गुहा। क्यों बोलोगे हृदय गुहा, क्योंकि इसी खाच के अंदर आपका क्या पाया जाता है हृदय पाया जाता है, मतलब पाया तो नहीं ये केंद्र में ही जाता है, इस तरफ थोड़ा झुका रहता है हृदय गुहा, या इस तरह इसको बोल सकते हो कार्डियक नोच, नोच का मतलब ये गुहा ही होता है खाच होता है हृदय गुहा। देखो हृदय होता था आपका सेंटर में दोनों फेफड़ों के मध्य में इस तरीके से, लेकिन ये क्या होता है कि बाएं तरफ थोड़ा झुक जाता है इस तरीके से, ये आपका क्या हो गया भाई हृदय। इसका जो 15-20% भाग है जो ऊपर होता है फेफड़ों के मध्य में होता है, और बाकी का भाग देख लो 85% किस तरफ बाई ओर क्या होता है झुका रहता है, इसलिए बोल ये बाई ओर ज्यादा झुका रहता है, इसलिए बोलते हैं कि मानव का जो हृदय होता है किस तरफ होता है बाई ओर होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि बाई ओर झुके, कुछ एकाध लोग होते हैं अपवास करो या उनका हृदय बाई ओर ना झुककर किस ओर झुक जाता है दाई ओर, इसलिए कहा बोलते हैं भाई कि उसका हृदय किस ओर है दाई ओर, हृदय ना दाई ओर होता है ना बाई ओर होता है, वो सेंटर में ही होता है, बस ये वो बाई ओर थोड़ा झुक जाता है, थोड़ा क्या 85% या 80% वो झुक जाता है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं भाई हृदय बाई ओर होता है। ठीक है अभी देख लिया भाई फेफड़े भी आपके फेफड़े बहुत ही कमजोर है दबाओगे तो ये पिचक जाएंगे, हृदय भी है पूरा पेशियों से बना हुआ, इसको भी आपके जगह थोड़ा सा अगर इतना सा टच भी कर दोगे तो वो पिचक जाएगा, वहां से पूरा पेशियों से बना है ना हड्डी बनी है ना पसली है कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा भी जैसे लगता ही उसको वो पचक नहीं जाएगा। ठीक है भाई अब ये इंसान तो कोई दौड़ते दौड़ते गिर जाता है लग जाता है, किसी ने आपको मार दी कर दी तो बेचारा हृदय तो ये लगते ही पूरा हो जाएगा ना पिचक जाएगा ना, जैसे हृदय पिचका आप भी पिचक जाओगे। तो इसके लिए आपके भगवान ने क्या करा भाई इसके लिए सुरक्षात्मक क्या बनाया आवरण बनाया। ठीक है सुरक्षात्मक आवरण कैसा सुरक्षात्मक आवरण बनाया भी? अब चलो इसको हटा देते हैं। छाती के अंदर है ठीक है, पहले जैसे ही आप है ना अपनी त्वचा को निकालोगे, जैसे किसी भी जीव जंतु को आपके अंदर का पूरा उसका एनाटोमी उसका पूरा का पूरा शरीर देखना होता है क्या करते हो, पहले उसका बाहर से स्किन हटाए फिर अंदर वाला पोर्शन हटाए, ऐसा हटाए ऐसे ही नहीं करते, ऐसे ही पूरा ये मानो लो उसके ऊपर से त्वचा हटा दो, जैसे ही त्वचा हटेगी तो आपको क्या दिखाई देगा देखो एस ऐसी आपको वी शेप्ड क्या दिखाई देगी बोन दिखाई देगी, कहाँ दिखाई देगी छाती के अंदर, तो इसको क्या बोल दोगे चेस्ट बोन। अब कोई भी हड्डी कान में है तो उसको क्या बोल दोगे कान की हड्डी पैर की हड्डी हाथ की हड्डी ऐसा बोलते हो, जैसे ये छाती में ऊपर से तो उसको क्या बोल दोगे चेस्ट बोन। अब सबका नाम होता है भाई, कान में जो हड्डी होती है उसको स्टेपिस बोलते हैं, पैरों में जो होती है उसको फीमर बोलते हो, तो इसका भी कुछ नाम होगा चेस्ट बोन का नाम होता है स्टर्नम, चेस्ट
चेस्ट बोन स्टन, इस स्टनम से इस प्रकार से पसलियों का क्या निकलता है भाई, जाल निकलता है, हड्डियों का नहीं निकलता है। ये स्टनम तो हड्डी होती है लेकिन इससे क्या निकलती है, पसलियां। पसलियां भी एक प्रकार की हड्डी ही होती है पर थोड़ी अलग होती है, थोड़ी कमजोर मुलायम होती है। इससे कितनी ये पसलियां निकलती है, क्यों निकलती है भाई, हड्डी को सुरक्षा देनी है ना भाई, पिचक जाएगा बेचारा अगर किसी ने मुक्का वगैरह मार दिया तो। ये फसलें कितनी होती है भाई, 12 जोड़ी, और अगर संख्या में बोलो तो कितनी हो जाएगी, 24। अगर संख्या पूछ ले तो आपके शरीर के अंदर कितनी फसलियां होती है भाई, 24, आपके यहीं पर होती है फसलियां, 24 तो संख्या होती है, और जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी, जो उसकी दूसरी फसली होती है, दूसरी जो दूसरी से लेकर छठी के बीच में यही आपका क्या होता है भाई, हृदय होता है। इसका काम होता है भाई कि कहीं भी कोई आघात वगैरह चोट वगैरह लग जाए तो ये हृदय पिचके नहीं, हृदय पिचका मतलब आप भी पिछे गए, तो उसको क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, किसका काम होता है, फसलियों का। ये बीच में स्टर्नम हड्डी होती है, इसी से क्या निकली होती है, फसलियां निकलती है, जो यहाँ से निकल कर इस प्रकार से पूरे के पूरे हृदय और फसलियों, हृदय और फेफड़ों को क्या करती है भाई, सुरक्षा प्रदान करती है, इस प्रकार से झाल प्रदान करती है, श्रृंखला प्रदान करके उसको क्या प्रदान करती है, सुरक्षा। ठीक है भाई, चलो ये हो गया। अब उसके बाद और भी तो सुरक्षात्मक आवरण होगा, देखो ये सुरक्षात्मक आवरण है पसलियों का, ये क्या कर रहा है कि कोई बाहर से अगर आप गिर जाओ, मार दे, पीट दे, करते हैं तो एक बार ये क्या प्रदान कर सके, सुरक्षा प्रदान कर दे। लेकिन आपका हृदय धड़कता है, शिथिलता करता है, कितना आघात चोट लगती है बेचारा, मसल्स का बना है, पूरा मसल्स का, वो हड्डी नहीं, कोई पसली नहीं, पिचक रहा है, शिथिलित हो रहा, पिचक रहा, शिथिलित हो रहा, आघात लग रहा है बेचारे के ऊपर, उन आघातों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हृदय के बाहर की तरफ क्या पाया जाता है भाई, हृदय आवरण पाया जाता है। मान लीजिए ये आपका क्या है भाई, हृदय, तो इसके चारों तरफ ये क्या पाया जाता है भाई, आवरण पाया जाता है, हृदय आवरण। हृदय आवरण, हृदय के चारों तरफ जो सुरक्षात्मक आवरण होता है उसी को क्या बोलते हैं भाई, हृदय आवरण। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन में हृदय आवरण देखे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम भी बोल देते, इंग्लिश वर्ड है पेरिकार्डियम। क्वेश्चन में आपको हृदय आवरण ना पूछ के पूछ लेगा भाई पेरिकार्डियम क्या होता है, तो पेरिकार्डियम क्या होता है भाई, हृदय का सुरक्षात्मक आवरण। सिंपल सा एक नंबर का पूछिएगा भाई, हृदय का सुरक्षात्मक आवरण जो किससे, आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है भाई पेरिकार्डियम क्या होता है, हृदय आवरण तो पूछेगा नहीं, हृदय आवरण से तो सीधा पता चल जाएगा भाई हृदय का आवरण, हृदय आवरण। ये वर्ड दे देता है इंग्लिश वर्ड की पेरिकार्डियम क्या होता है, तो पेरिकार्डियम हृदय का सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उसकी बाहरी आघातों से क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो हृदय आवरण होता है मुख्यतः से दो स्तरों से मिलकर बना होता है, फाइब्रस और सिरोस। जो बाहर की तरफ होता है वो होता है फाइब्रस, यहाँ क्या पाई जाती है, फाइब्रस स्थल पाई जाते हैं। फाइब्रस स्तर के ऊपर इस तरीके से शंकु कोशिकाएं पाई जाती है, इनको क्या बोलते हैं, सिरोसिस। यहाँ एक और सिरोसिस स्तर, और ये सिरोसिस स्तर के मध्य क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है, इसको क्या बोल दोगे, पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियल। ये हो गया फाइब्रस, पहला फाइब्रस आएगा, फिर कौन आ जाएगा भाई, सिरोस, फिर कौन आ जाएगा, पेरिकार्डियल द्रव, और फिर वापस से एक क्या आ जाएगी, सिरोस की वापस क्या आ जाएगी, इस तरह इस पूरे को मिलकर बिना आप पूरे को सम्मिलित रूप से क्या बोल दोगे, पेरिकार्डियम हृदय आवरण। अब इसके बाद आपका जो हृदय होता है सिंपल से ऐसे खाली ऐसे नहीं रखे देगा, लेकिन कितने किसमें बटा रहता है भाई, चार इस प्रकार से कक्षकों में बटा रहता है, इस प्रकार से कौन पारता है, तो सेप्टम मसल्स,
एक मसल्स होती है सेप्टम नाम की, वो आपके हृदय को चार अलग अलग समान भागों में नहीं बोलोगे क्योंकि दो छोटे होते हैं, ऊपर वाले दो छोटे और नीचे वाले दो लंबे कक्षकों में क्या कर देती है भाई, बांटती। अभी पढ़ेंगे भाई क्यों बांटती, बेवजह तो बांटती नहीं होगी, बांटने में किसी को मजा तो आता नहीं होगा, कुछ तो वजह होगी तब इसने बांटा होगा। सेप्टम मसल्स आपके हृदय को कितने कक्षकों में बांट देती है भाई, चार कक्षकों में। तो आपका हृदय कितना होता है भाई, चार कोष्ठी होता है, ठीक है। अब हृदय पंपिंग ऑर्गन होता है, पेशीजनित होता है, मायोजेनिक होता है, स्थिति देख ली, कहाँ पाया जाता है, वृक्ष गुहा में, कहाँ पाया जाता है, फेफड़ों के मध्य। अगर देखो एक से पूछ ले कहाँ पाया जाता है भाई, वृक्ष गुहा में, वृक्ष गुहा में कहाँ पर, दोनों फेफड़ों के मध्य में बाई ओर की तरफ झुका हुआ, जो बाई ओर का फेफड़ा होता है उसके ऊपर एक हृदय गुहा कार्डियक नोच पाया जाता है, वहां कौन होता है भाई, हृदय पाया जाता है। हृदय की सुरक्षात्मक आवरण एक तो बसलियां है ही है, दूसरा पेरिकार्डियल जो हृदय को क्या प्रदान करती है भाई, सुरक्षा प्रदान करती है। वो क्या छूट गया भाई, एक और छूट गया। हृदय क्या होता है, एक प्रकार का मिजोडर्मी, मिजोडर्मल, असल मिजोडर्मल अंग होता है। हृदय कैसा होता है, मिजोडर्मल अंग कैसा होता है भाई, मिजोडर्मल। अब समझो मिजोडर्मल होता क्या, किसी भी जीव का निर्माण अगर आप भी पैदा हुए हो, कोई भी जंतु वगैरह जीव वगैरह पैदा हुआ तो कैसे पैदा होते हैं, क्या आवश्यक होते हैं, युग्मक, एक नरी युग्मक और एक मादा युग्मक, ठीक है। पास में जुड़ा हुआ नर व मादा युग्मक, इन दोनों का क्या होगा, संलयन, तो क्या बनेगा, युग्मनज बनता है, ठीक है भाई। ये आपको समझा रही हूँ भाई, मिजोडर्मल अंग क्यों बोलते हैं, ठीक है। दोनों युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है। अब इस युग्मनज में क्या बने होंगे, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। इस एक कोशिका से कितनी बनेगी, दो कोशिकाएं, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ, ऐसे निरंतर कोशिकाएं आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे विभाजित होती जाएगी और कोशिकाओं का क्या बनेगी, समूह बनाएगी। फिर उसके बाद इस प्रकार से भूर्णीय स्तरों का क्या होता है भाई, निर्माण होता है, भूर्णीय स्तर। तीन भूर्णीय स्तर होते हैं, सबसे बाहर की तरफ हो जाएगा आपके एक्टोडर्म, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे अंदर की तरफ हो जाएगा एंडोडर्म और इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, या ऊपर लिख देते मिजोडर्म, रेपर हटा के बताते एक्टोडर्म एंडोडर्म और मिजोडर्म। ये तो समझ में आ गया ना, अभी डर्म कहां से है, ठीक है। तीन भूलने इस तरह होंगे, इस प्रकार से तीन भूलने इस तरह का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। ये एक्टोडर्म, ये मिजोडर्म, बीच में होती है मिजोडर्म, वो सबसे आंतरिक क्या हो जाएगी, एंडोडर्म। अब ये जो आपके शरीर में बोलते हो ना, ये मेरा यकृत, ये मेरा हृदय, ये मेरा वक्र, ये अपने आप नहीं बने, इन्हीं तीन स्तरों ने आपके अलग अलग अंगों का क्या करा भी, निर्माण करा है। ये जो एक्टोडर्म होती है ये आपकी त्वचा का निर्माण करती है, ठीक है भाई। ऐसे ही नहीं होता कि माँ के पेट में जैसे ही बच्चा बच्चा होता है और हाथों हाथ ही उसके अंदर सारे हृदय वगैरह सारे एकदम सारे के सारे अंग विकसित होता है, सारे अंग एक साथ विकसित नहीं होंगे, सबसे पहले युग्मनज का बनेगा, वो युग्मनज के अंदर निरंतर कोशिका विभाजनों से बहुत सारी कोशिकाओं का क्या बनता है, समूह बनता है। उसके बाद अंत में इस प्रकार से तीन स्तरों का निर्माण होता है जिसको भूर्णीय स्तर बोलते हैं, और यही तीनों स्तर आगे चल के आपके अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग अंगों का क्या करते हैं भाई, निर्माण करते हैं। जो एक्टोडर्म होती है वो आपकी त्वचा का निर्माण करते हैं, तो त्वचा को क्या बोलोगे, एक्टोडर्मी ऑर्गन, एक्टोडर्मी ऑर्गन, ठीक है। ये जो मिजोडर्म होती है ये आपके हृदय और रुधिर का निर्माण करती है, इसलिए इन दोनों को क्या बोल दोगे भाई, मिजोडर्मी ऑर्गन। और जो एंडोडर्म होती है ये आपकी लीवर है, किडनी है, चिकनी पेशियां होती है जो आपके हाथों में पाई जाती है, वो इन सब का क्या करती है भाई,
निर्माण करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया हृदय मेसोडर्मल ऑर्गन क्यों होता है, क्योंकि जो घूर्णीय स्तर होती है, घूर्णीय चर्म होती है, उसकी मेसोडर्म जो होती है वही हृदय और रुधिर का क्या करती है भाई, निर्माण करती है। इसलिए हृदय को और रुधिर को मेसोडर्मल ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है भाई, अब ये हो गया हृदय का ऊपरी प्रच्छेद। जैसे आप देखते हो ना मेरा नाम, मम्मी पापा वगैरह है, ये उसके हृदय का, ये मम्मी पापा वगैरह वाला परिचय पूरा हो गया। अब भार पूछिए तो हृदय का 300 ग्राम भार होता है वयस्कों के अंदर, बच्चों के अंदर पूछ ले तो 20 से 25 ग्राम का होता है। ठीक है भाई, पुरुषों में हृदय का भार आधा ज्यादा होता है तो महिलाओं में कम होता है, क्यों, वो पूरा बॉडी वेट के अनुसार होता है। 300 ग्राम वगैरह स्थिति हो गई। अब आकार, अगर आकार पूछ ले कि हृदय का आकार कैसा होता है तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, ये अब आपका हो गया हृदय का सामान्य परिचय। और हृदय की संरचना, किस प्रकार का हृदय होता है, देखो हृदय संरचना, पहले हृदय संरचना समझ लेते हैं, उसके बाद में हृदय क्रिया विधि, हृदय की संरचना। ये चार कक्षक होंगे, कौन सी मसल्स होती है जो इन कक्षकों को बांटती है अलग अलग, सेप्टम मसल्स। ऊपरी जो होंगे उसको क्या बोल दोगे, आलिंद। ठीक है भाई, ये आलिंद बाई तरफ है तो बाया आलिंद, और तो ये बाया निदर। क्या आ जाएगा आपका दाया आलिंद, और ये क्या आ जाएगा दाया निदर। देखने से देखो आलिंद क्या बने हैं, छोटे बने हैं, जबकि नले क्या बने हैं, बड़े बने हैं। क्यों बने हैं, अभी समझ हमेशा याद रखना, आप जब भी डायग्राम बनाओ आलिंदों को छोटा बनाना और निलयों को बड़ा बनाना। इसके अलावा जो निलयों की भित्तियां होगी वो थोड़ी क्या होगी भाई, मोटी होगी, तो आपको भी इस तरीके से मोटी बनाना। ठीक है, निलयों की भित्ति क्या होती है भाई, मोटी होती है। क्यों होती है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना, बाद में समझ में आएगा, अभी हाथ समझ में नहीं आया जब भी इसकी भित्तियां मोटी क्यों बनाई जा रही है। बस आपको डायग्राम बनाते वक्त याद रखना है कि निलयों की भित्ति आपको क्या बनानी है भाई, मोटी बनानी है। छोटी छोटी गलती आप डायग्राम में भूल जाते हो, अगर डायग्राम में ही आपने इस प्रकार की गलतियां कर दी होती है तो एग्जामिनर आपकी थ्योरी नहीं पढ़ता है कि उसने आपने क्या लिखा है, भाई निलयों की भित्तियां छोटी मोटी लिखी है नहीं लिखी है। अगर डायग्राम में ही आपने अभी इन सब चीजों का ध्यान रखा होता है तो पहले एग्जामिनर को पता चल जाता है कि भाई बच्चे को कितना आता है। तो डायग्राम में आपको कभी गलतियां नहीं करनी है। कभी कभी करते हैं हृदय से चार के पूरे समान कक्षक बना दे, समान कभी नहीं बनाना है। ऊपरी दो आलिंद होंगे वो छोटे होंगे, निचले दो नीले होते हैं वो क्या होते हैं भाई, बड़े होते हैं। आलिंदों की भित्तियां होती है पतली और नीलयों की भित्तियां क्या होती है भाई, मोटी होती है। देखो हृदय का कार्य अभी तक मैंने आपको सिंपल से इतना ही समझाया कि एक प्रकार का क्या पंपिंग ऑर्गन, जो पूरे के पूरे हृदय आपके रुधिर है जो पूरे के शरीर में क्या करता है भाई, पंप कर देता है। उसके अलावा देखो हृदय का काम क्या होता है, देखो आपको बॉडी के अंदर देखो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन तो आपने ले ली, आपकी जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल गई, लेकिन उसको ऑक्सीजन क्यों मिली, क्यों चाहिए थी ऑक्सीजन। देखो ये कोई कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका थी कोई जीवित कोशिका। अब इसने आपने खाना खाया, अभी कोई भी कहीं भी हाथ के पैर के यकृत के कहीं भी ये कोशिका मान लो ये है कोशिका, इसको ऑक्सीजन मिल गई फिर श्वसन के द्वारा, आपके पाचन तंत्र के द्वारा इसको क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया। अब इसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब ग्लूकोज तो सीधे तरीके से तो ऊर्जा रिलीज करेगा नहीं, ऐसे थोड़ी ना कि ग्लूकोज को पकड़ा ये ऊर्जा लिया, ऐसा नहीं होता भाई। ये ग्लूकोज मिल गया इसको पाचन तंत्र के द्वारा C6H5S12O6, ठीक है भाई। श्वसन के द्वारा क्या मिल गया भाई, O2 मिल गई। अब यहाँ क्या हो गया, आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन उपापचय क्रिया है, पढ़ी है आप लोगों ने भी, कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। ठीक है,
इन उपापचय क्रिया का क्या क्या काम होता है आपके शरीर बॉडी के अंदर ऊर्जा का क्या करना भाई, निर्माण करना। जो आपकी एटीपी मिलती है, ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से, जो आपको ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा किसके द्वारा मिलती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन मेटाबॉलिक क्रियाओं के द्वारा ही आपको ऊर्जा मिलती है। जैसे ही ऑक्सीजन किसके ऊपर क्रिया करेगी, ग्लूकोज के ऊपर, तो क्या बनेगा भाई, ये ऊर्जा, यही ऊर्जा तो इस कोशिका को सही होगी, ले लेगी ऊर्जा, मतलब ले लेगी, प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा, जल भी ले लेगा भाई इसको चाहिए, लेकिन साथ में और क्या बनेगा भाई, CO2। अब ये CO2 इस कोशिका को नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए तो क्या करेगा, रक्त में जल फेंकेगा भाई। कोशिकाओं का क्या काम क्या होता है भाई, रक्त के अंदर जो भी जरूरी जरूरी चीजें होती है उसको ले लेता है, ठीक है। जैसे ये कोई कोशिका है, यहां से ये रक्त वाहिनी, यहां से रक्त गुजर रहा, इस कोशिकाओं को क्या चाहिए भाई, O2 चाहिए, ले लिया, ग्लूकोज चाहिए, ले लिया। अब ये O2 लिया, ग्लूकोज लिया, तो O2 ग्लूकोज के रिएक्शन से, मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या बन गया भाई, CO2 बन गया। अब कचरे को अपने घर में कोई नहीं रखना चाहेगा, क्या भाई गंदगी फैलाएगा, बीमार कर देगा, तो कचरे को ये वापस क्या भेज देता है, रक्त के अंदर वापस भेज देता है। जैसे ही CO2 रक्त के अंदर आ जाता है, रक्त क्या हो जाता है भाई, अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि CO2 हमें नहीं चाहिए, हमारी कोशिकाओं को CO2 नहीं चाहिए। तो ऐसे रक्त को क्या बोलते हो भाई, अशुद्ध रक्त या वी ऑक्सीजनित रक्त। तो आपका जो हृदय होता है, जो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को अलग रखने का क्या करता है भी, काम करता है, आपका शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त आपस में इकट्ठा ना हो जाए। अब हृदय इस रक्त को अशुद्ध क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गई, CO2 आ गई। अब इस CO2 को बाहर निकाल दो तो रक्त वापस शुद्ध हो गया। अब ऐसा था नहीं रक्त अशुद्ध हो गया भाई, बाहर निकालो, जैसे यूरिन बाहर निकालते बाहर निकालो, ऐसा नहीं होता भाई, पूरा रक्त शुद्ध नहीं है, केवल ये CO2 ही तो प्रॉब्लम कर रहा है, तो CO2 को बाहर निकाल दो, क्या होता है कभी। अब CO2 हृदय क्या करेगा, इस अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को अपने अंदर अलग ले लेगा। ये जो भी रक्त वाहिनियों में ये CO2 आया, ये पूरी पूरी रक्त वाहिनियां कहां आकर खुल जाएगी, हृदय के अंदर आ जाएगी। इस हृदय से होते होते कहां चले जाएगा, फेफड़ों के अंदर, फेफड़े वापस CO2 को उधर छोड़ देंगे और O2 को वापस ले लेंगे। अभी समझ में नहीं आएगा, आराम से थोड़ा से समझ लो, परिसंचरण पढ़ेंगे तंत्र वापस से, दोहरा परिसंचरण तंत्र, उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना याद रखना है कि ये 4 चैम्बर्ड बने क्यों है, ये इसकी भित्तियां पतली क्यों है, इसकी भित्तियां मोटी क्यों है, वो समझाने की कोशिश कर ली, ठीक है। अशुद्ध रक्त, अब जितने भी आपके पूरे पूरे बॉडी के अंदर अशुद्ध रक्त बना, वो सारा का सारा अशुद्ध रक्त हृदय के किस तरफ आता है, दाईं तरफ। हमेशा याद रखना, राइट हमेशा राइट होता है, लेकिन हृदय के मामले में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। राइट साइड में कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। दो क्या खुलेगी, मोटी महाशिरा, ये तो पता नहीं भाई, रक्त रक्त वाहिनियों में बहता है। अब रक्त वाहिनी दो प्रकार की होती है, धमनी और शिरा, सिरों में अशुद्ध और धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, ठीक है भाई। दो प्रकार के क्या निकलेगी भाई, महाशिरा, इनको क्या बोल दोगे, महाशिरा, ये इस तरीके से बताया है, और इसको क्या बोल दोगे, उधर्व महाशिरा, उधर्व महाशिरा, और ये हो जाएगी निम्न महाशिरा। दो क्यों बनी भाई, देखो ये आपका हृदय, छाती के ऊपर ऊपर वाली जितनी भी कोशिकाएं वो जो CO2 का उत्पादन कर रही है और रक्त में छोड़ रही है, वो जितना भी अशुद्ध हुआ है CO2 की वजह से, वो अशुद्ध रक्त आपके कहाँ आएगा, उधर वो महाशिरा के द्वारा दाएं आने में आएगा। लेकिन छाती के नीचे वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं वो रक्त को अशुद्ध कर रही है, वो अशुद्ध रक्त निम्न महाशिराओं के द्वारा कहाँ आ जाएगा, दाएं आलिंगन। अब ठीक है, बेदाएं आलिंगन आ गया, अब यहाँ पढ़ा तो रहेगा नहीं, आगे जाएगा, और आगे जाने के लिए क्या चाहिए भाई, रास्ते चाहिए, तो दाएं आलिंग और दाएं आलिंग और दाएं निलय के मध्य कितने रास्ते होते हैं भाई, 3 रास्ते। ये रक्त आ गया भाई अशुद्ध रक्त, बढ़ ले गए अपने अंदर, जब बढ़ेगा तो खाली तो करना पड़ेगा, खाली करने के लिए रास्ते चाहिए, तो क्या कितने रास्ते बनाए, 3 रास्ते। रास्तों की संख्या याद रखनी चाहिए, दाएं आलिंग और दाएं निलय के मध्य कितने रास्ते होते हैं, 3 रास्ते होते हैं। चलो भाई बन गए 3 रास्ते, इन रास्तों से होते हुए रक्त क्या हो जाएगा, इस तरीके से दाएं निलय में आ जाएगा। अब ऐसा फैने पे भी आकर आ जाएगा नहीं वापस, आ तो जाए वापस, वापस झड़ना नहीं चाहिए, इसके लिए रास्तों पर क्या लगाया जाए भाई, दरवाजे लगाए जाते हैं इस तरह, ठीक है भाई, क्या लगाए जाते हैं, दरवाजे लगाए जाते हैं। दरवाजों को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कपाट बोलते हैं, तो इनको ये दाया हमने थोड़ा नीचे लिख देते ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए, ये लगाया नीचे दाया मिला, इनको क्या बोलते हैं कपाट। अब कितना है कपाट, 3 कपाट है, तो क्या बोलोगे, त्रिक प्रति
इंग्लिश में बोल दो भाई, बायोलॉजी में लफड़ा रहता है, काफी वर्ड इंग्लिश में आ जाता है। ट्राई कप से, ट्राई कप से बोल, नंबर याद रखना। फिर से बोल रही हूँ, दाया आले तो दाया मिलर के मध्य त्रिक पटे ट्राई का स्पीड बॉल्व पाया जाता है। इन इन कपाटों का काम क्या होगा, कपाट सिर्फ इसी दिशा में खुलता है, इस तरफ खुलता है, ये वापस अंदर की तरफ कभी नहीं खुलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये कपाट इस तरीके से खुल जाए, ये हमेशा अंदर की तरफ खुल जाएगी। जैसे ही अंदर की तरफ खुलता है, ये रक्त कहाँ आ जाता है, दाया नीले के अंदर आ जाता है। जैसे ही नीले के अंदर ये वापस इस तरीके से क्या हो गए, बंद हो गए। ये इस तरफ खुलते तो रक्त वापस भी जा सकता था, लेकिन ये हमेशा इसी दिशा में एक ही तरफ खुलता है। ये लोग ये रक्त सारा कहाँ गए, दाया। अब हृदय अपने अंदर तो रखता नहीं, इसका ये तो हृदय के अंदर ये इतनी क्षमता नहीं होती है कि भाई ये CO2 को बाहर निकाल सके, खुद बाहर नहीं निकाल सकता। ये रक्त के अंदर से CO2 को अलग करने का काम नहीं है भाई, हृदय का काम क्या है भाई कि इस रुधिर को क्या रखना भाई, अलग रखना, शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर को अलग रखना, और इस जो अशुद्ध रुधिर है उसको शुद्ध होने के लिए क्या भेजना भाई, फेफड़ों के अंदर भेजना, बस इतना सा काम है। रक्त को पंप कर दूंगा, दोनों रक्त को अलग रख दूंगा, शुद्ध और अशुद्ध को, और तीसरा रक्त को क्या भेज दूंगा भाई, फेफड़ों में भेज दूंगा, इसके अलावा और कोई काम मैं नहीं करूंगा। तो नहीं करेगा तो भाई दूसरे किसी ऑर्गन को काम दिया जाएगा, अब एक नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, काम तो रह नहीं सकता भाई। CO2 बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है, कोशिकाएं उसको झेल नहीं रही है, अब नहीं झेल रही है तो उसको CO2 को पूरे शरीर में पड़ा तो रहने दिया जा नहीं सकता, ठीक है। अभी इस रक्त को कहाँ भेजना है, फेफड़ों में भेजना है, तो फेफड़े तो दो है, ये लो आपके दो फेफड़े, ये हटा देते हैं, उससे थोड़ा जगह मिल जाएगी। ये उधर वो महाशिरा, ये लोग आपको से लिख देते हैं, उधर वो महाशिरा, ये आपके फेफड़े, ये किधर और ये किधर वो, तब कहाँ भेजना भी, हृदय से फेफड़ों के पास भेजना। तो ये लोग भी भेज दिया, यहाँ से होते होते ये लोग, ये एक इस तरफ भेज दिया और एक इस तरफ भेज दिया, चला गया भाई। रक्त कहाँ चला गया, अब दाएं नीलय से होकर होते हुए दाएं फेफड़े में और बाएं फेफड़े में चला गया। क्यों भेजा है भाई, ताकि अपने हमारे अशुद्ध रक्त को क्या करते, शुद्ध रखते, अशुद्ध मतलब CO2 निकाल दे, वापस हमें क्या दे दो भाई, O2 दे दे, चला गया भाई अशुद्ध रक्त चला गया। अब इस तरह इसको रक्त वाहिनी को कुछ तो नाम तो दिया जाएगा भाई, ऐसे क्या बोलेंगे, फनाड़ा रास्ते से। अब बाकी किसी को मार्ग बता दो तो कैसे बता दो, वो रास्ते उस रास्ते का नाम देते हुए, अब इस रास्ते का भी कुछ नाम तो होगा, नाम देते थे इसको, इसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनियां, पल्मोनरी धमनियां, ठीक है। धमनियां क्यों बोले, देखो हम आगे बढ़ेंगे, दो प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है, धमनी और सिरा। जो जो रक्त वाहिकाएं हृदय में प्रवेश करती है उसको तो बोला जाता है सिरा, और जो हृदय से बाहर निकलती है उसको क्या बोला जाता है, धमनी। यह हृदय से बाहर निकल रही है और रक्त को हृदय से बाहर लेके जा रही है उसको, इसलिए उसको क्या बोलोगे, धमनी। और पल्मोनरी है इसको जो फुफ्फुस बोलते हो, फेफड़े फुफ्फुस पल्मोनरी सभी एक ही होता है, पल्मोनरी धमनियों से रक्त अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, फेफड़ों। जैसे ही फेफड़ों में पड़ गया, श्वसन तंत्र में हम पढ़ेंगे कि जैसे ही अशुद्ध रक्त कहाँ चले गए, फेफड़ों में, फेफड़ों के अंदर छोटी एक छोटी छोटी कुपिकाएं होती है, वहां से रक्त क्या करेगा, CO2 को खा फेंक देगा और ऑक्सीजन को क्या कर देगा भाई, ले लेगा। जैसे ही रक्त के अंदर ऑक्सीजन आया तो वो क्या हो गया भाई, ऑक्सीजनित शुद्ध हो गया, दोबारा से शुद्ध हो गया, तो हृदय करेगा भाई वापस आ गया, वापस लेगा। तो इन फेफड़ों से होते हुए शुद्ध रक्त वापस कहाँ आ जाएगा भाई, बाएं अलिंद में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका अब क्या हो गया भाई, शुद्ध रक्त। अब इन नाश्तों का भी कुछ नाम होगा तो उसको क्या बोल दोगे, पल्मोनरी सिराय, ठीक है, पल्मोनरी सिराय। शुद्ध रक्त होते हुए अब कहाँ आ गया भाई, बाएं अलिंद में, अभी भी इसके पास रखेगा तो है, इकट्ठा करके अपने साथ जितनी इसकी क्षमता उतना भर सकता है। अब भरने के बाद इस बेचारे को भी आगे भेजना पड़ेगा, आगे भेजने के लिए बनाने पड़ेंगे रास्ते। अब ये याद रखना कि यहाँ कितने रास्ते होते हैं भाई, दो रास्ते होते हैं, बाएं अलिंद और बाएं नीलय के मध्य केवल कितने रास्ते होते हैं, दो रास्ते हैं, और इन दो रास्तों पर ये दो क्या हो जाएंगे भाई, कपाट हो जाएंगे। और इसमें भी तो होता है ना भाई, एक बार शुद्ध रक्त यहाँ आ गया बाएं नीलय में तो वापस ना लौटे, इसलिए क्या पाया जाता है, कपाट पाया जाता है।
इन कपाटों से होते हुए रक्त कहाँ आ जा सकता है भाई? बाय ब्लड। ठीक है भाई, अब इन कपाट को क्या बोलते हैं भाई? द्विक प्रति, द्विक प्रति कपाट। बाइक स्पीड भी बोल सकते हो और इसका एक नाम भी होता है मिट्रल कपाट। अलग से दो पूछ लिया जाता है भाई मिट्रल कपाट, मिट्रल कपाट। ठीक है भाई, आ गया भगिया भगिया भाई, इसने भी अपने क्षमता अनुसार भर के रखेगा तो है ना, अपने पास भर के रख लिया तो ऑर्गन के पास ऑक्सीजन कैसे जाएगी भाई? ऑर्गन के पास सारे जितना मेटेरियल है वो जाएगा कैसे भाई? रक्त एक जगह इकट्ठा होगा तो रह नहीं सकता, अब इसको भी बाहर भेजना है, बाहर भेजने के लिए कुछ तो बनानी पड़ेगी। अब देखो ये महा एक रक्त वाहिनी यहाँ से ऊपर से होकर निकलती है लेकिन मैं नीचे बना रही हूँ समझने के। ठीक है भाई, ये भी बाहर निकालेगा। इस रक्त वाहिनी को क्या नाम दे दिया? महाधमनी। इस महाधमनी से होते हुए रक्त अब कहाँ चला जाएगा भाई? रक्त वाहिनी उसको लेके कहाँ पहुंचा देगी भाई? अलग अलग अंगों के पास पूरे शरीर में दौड़ा देगी, वही वापस से प्रोसेस होगा, वापस से शुद्ध रक्त कोशिकाओं के पास जाएगा, कोशिकाएं फिर से मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करेगी, फिर से अशुद्ध रक्त होगा, फिर से वापस इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता। ठीक है भाई, अब देखो भाई ये तो कपाट पड़ लिए भाई, अब यहाँ पर भी तो कपाट चाहिए कि पल्मोनरी धमनियों से रक्त वापस यहाँ जाए, यहाँ ना जाए, महाधमनी से वापस रक्त बाहर नीले में नहीं चला जाए, इसके लिए क्या पाया जाता है भाई? अर्धचंद्र का कपाट पाया जाता है। ये लो अर्धचंद्र का, यहाँ पर भी और एक यहाँ क्या पाया जाता है भाई? अर्धचंद्र का कपाट पाया जाता है। अर्धचंद्र का कपाट। ठीक है भाई, ये आपका पूरा का पूरा है। अब देखो अभी ये क्लियर नहीं होना क्योंकि इसकी जब होती है इसको देखो आलिंगों का काम क्या होता है भाई? सिर्फ रक्त को कहाँ भेजना है भाई? निलय में भेजना। लेकिन निलय का बेचारे का काम क्या होता है भाई? इनको धाम लगाने कर ऊपर फेफड़ों के पास भेजना, ऊपर की तरफ भेजना है तो मतलब दाब भी उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा भाई, दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा तो भित्तिया भी मोटी चाहिए, मोटा है ज्यादा तो दाब लगा देगा नहीं तो क्या करेगा भाई? इसलिए निलय की भित्ती क्या होती है भाई? मोटी। लेकिन इस बाह्य निलय की आकार में भी ये सबसे बड़ा होगा और भित्तिया भी इसकी सबसे ज्यादा मोटी होगी। क्यों होगी भाई? इसी के ऊपर से बेचारे के ऊपर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है, ये तो सबसे ज्यादा दाब लगाता है, इसमें तो कुछ नहीं है भाई, पूरे शरीर से रक्त को इकट्ठा किया और अगर गैस पकड़ करके भेज दे सबके इतने काम। लेकिन इस बेचारे को इतना दाब मतलब उत्पन्न करना होता है ताकि ये जो रुधिर होता है प्रत्येक कोशिका के पास पहुंच जाए, इसलिए आकार में भी बड़ा होता है और इसकी भित्तियां भी मोटी होती है। ठीक है, अब अपने एक एक मोटी चीज पढ़ी थी कि हृदय के पास कोई तंत्रिका नहीं होती है, अगर तंत्रिका नहीं होती तो कुछ तो होगा ना, बिना तंत्रिका के तो कुछ होता नहीं, अगर तंत्रिका नहीं है तो तंत्रिका के समान काम करने वाली कुछ और कोशिकाएं होगी, तो इसके अंदर होता है नोडल ऊतक। देखो नोडल ऊतक, नोडल ऊतक कोई विशेष अजूबा नहीं होता है, हृदय की ही कुछ मांसपेशियां क्या होती है भी परिवर्तित होती थी और स्व क्या करती है? उत्तेजना उत्पन्न कर देती है, खुद ही उत्तेजना उत्पन्न करती है और खुद ही क्या करती है भाई? आवेग उत्पन्न करती है ताकि हृदय संकुचित और शिथिलित हो सके। ठीक है भाई, इसको क्या बोल दोगे? SANOT। इनका क्या काम होगा भाई? उत्तेजना उत्पन्न होगा, अपने आप स्व उत्तेजित होगी और उत्तेजना उत्पन्न कर दी। तंत्रिका कोशिका में पढ़ोगे कि किस प्रकार उत्तेजना होती है, किस प्रकार से आप इतना ऊपर नीचे, किस प्रकार के हृदय संबंधित, ये तंत्रिका कोशिका में पढ़ोगे भी कैसे होता है। आयनों का क्या होता है भाई? आदान प्रदान होता है, इससे पराशन विधि होती है जिसके द्वारा क्या होते हैं भाई? आवेग उत्पन्न होते हैं, कार्य विभव उत्पन्न होता है जिसकी वजह से ये संकुचित और शिथिलित होगा। ये जो ऐसा नोड होता है ये ऊपर की ओर होता है, जहां उधर हो मां सीधा होता है वहां, या नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? AVN नोड, ये भी एक नोडल उत्तल का ही भाग होता है, ये क्या हो जाएगा? AVN नोड। ऐसे है AVN फुल फॉर्म बताऊंगी। अब ये सीरा, सीरा आलिंद पर, ठीक है भाई, SN नोड, AVN नोड, ठीक है भाई। अब इन्हीं से छोटी छोटी एक और विमास पे से यहां से निकलेगी, इसको यहाँ पर एक डब्बा, इसको क्या बोलोगे? हिंज ऑफ बंडल। ये सब किसके लिए भाई? संकुचन और शिथिलन करवा सके, ठीक है, हिंज बंडल, इसको क्या बोलोगे?
बंडल ऑफ हिंज। कुछ नया नहीं है, बस हृदय की ही मांसपेशियां बस थोड़ी क्या हो गई है, परिवर्तित हो गई है, ताकि ये क्या उत्पन्न कर सके, संकुचन और शिथिलता उत्पन्न हो सके। अब पूरी मांसपेशियों से थोड़ी अलग हो गई तो इनको अलग से क्या दे दिया गया, भी नाम दे दिया। कुछ हटके होता है तो कुछ हटके लोगों को कुछ हटके नाम भी दिया जाता है, इसलिए बंडल ऑफ हिंज। इन बंडल ऑफ हिंज से क्या निकली जाती है, इस तरीके से शाखाएं निकली जाती है, इधर भी निकली होगी, ठीक है। इसको भी संकुचन कराना, मैं एक इधर बना रहा हूं, इसको क्या बोलोगे, हिंज शाखा। इन हिंज शाखाओं से छोटे छोटे ऐसे 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 तंतु निकले रहते हैं, इनको क्या बोल दोगे, पुरकिंजे तंतु। ठीक है भाई, क्या काम है इनका भाई, अब तंत्रिका तो है नहीं, अपने आप ही संकुचन और शिथिलन पैदा कराना, तो इसके कुछ मांसपेशियां ही परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही परिवर्तित हुई, अलग हुई, उनको अलग से नाम दे दिया गया, एसआई नोड, एबीएन नोड, हिंज बंडल, बंडल ऑफ हिंज और पुरकिंजे तंतु। ठीक है भाई, ये आपके हृदय की पूरी हुई संरचना, एकदम वापस से पूरा देख लो। आपका जो हृदय होता है चार कक्षकों में बटा होता है, जो सेप्टम मसल्स होती है पूरे की पूरी हृदय को कितनी चार कक्षकों में बांट देती है। ऊपर वाले दो छोटे कक्षकों को क्या बोलते हैं भाई, आलिंद बोलते हैं, और नीचे वाले दो कक्षकों को क्या बोलते हैं भाई, निलय बोलते हैं। ठीक है, आलिंदों की भित्तियां पतली, निलयों की भित्तियां क्या होती है भाई, मोटी होती है, क्योंकि उनको दाब ज्यादा लगाना पड़ता है, रक्त भी अपने साथ ज्यादा इकट्ठा करके रखना पड़ता है। ठीक है, आलिंग निलय हो गया। ठीक, बाई ओर वालों को बाया आलिंग, बाया निलय, और दाई ओर वालों को दाया आलिंग और दाया निलय। जितना भी अशुद्ध रक्त होता है वो हृदय के किस ओर रहता है, दाई तरफ, और बाई तरफ क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो एक और नाम हो गया हृदय का कि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को क्या करना भाई, अलग रखना। अब सिर्फ अलग रखने से कुछ नहीं होता, फेफड़ों के पास भेजना भी होगा, तो पल्मोनरी धमनियों के द्वारा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजा जाता है, और शुद्ध होने के बाद पल्मोनरी शिराओं के द्वारा वापस हृदय में प्रवेश कर वापस ले निलय, और निलय से पूरे शरीर में अंग को क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। बाय आलिंद और बाय निलय के मध्य, सॉरी, दाय आलिंद और दाय निलय के मध्य ट्राइकस्पिड कपाट होता है, बाय आलिंद और बाय निलय के मध्य कितना होता है, बाइकस्पिड कपाट होता है। अब आपके ना बुक में ऐसा अलग से दे रखा है कि बाय आलिंद और बाय निलय, आलिंद निलय पट, ये क्या हो गया, आलिंद निलय पट, ये हो गया आलिंद निलय पट, ये क्या हो गया, आलिंद आलिंद पट, ये क्या हो जाएगा, अंतरा निलय पट या निलय निलय पट। अब देखो होता क्या है कि एक और चित्र होता है, यहाँ एक ना ऊपर दो आलिंद नहीं है, आलिंदों के पास एक क्या पाई जाती है, अब खांच पाई जाती है, इस खांच को क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेलिस, छूट गया था ये, फोरामेन ओवेलिस। देखो क्यों होती है, देखो जब शिशु क्या होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब उसको रक्त को फेफड़ों में भेजने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। अब इसको फेफड़ों में भेजने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि भाई CO2 O2 का क्या करना है भाई, आदान प्रदान करता है। अब बच्चे को सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने नाक से और फेफड़ों से सांस नहीं लेता, उसको अपनी माता के रक्त के माध्यम से ही O2 मिल जाता है, शुद्ध रक्त मिल जाता है, और अशुद्ध रक्त वो वापस माता के गर्भ में ही भेज दे, माता के रक्त में ही भेज देता है, मतलब उसको फेफड़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। जो जब फेफड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब रक्त अशुद्ध होते ही नहीं है, तो फेफड़े काम क्यों करेंगे भाई, तो उनको रक्त को कहाँ नहीं भेजा जाता भाई, फेफड़ों में नहीं भेजा जाता है बच्चों के अंदर, तो रक्त सीधा इधर से इधर आ जाता है। जब तक बच्चा ना गर्भ में रहता है ना, तब तक यहाँ पर एक छिद्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेलिस। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ये छिद्र अपने आप वापस क्या होता है, बंद हो जाता है, इसलिए इसके यहाँ अगर ये छिद्र खुला रह जाए तो क्या होगा भाई, रक्त फेफड़ों में जाएगा ही नहीं, ऐसे बेबी को क्या बोला गया, ब्लू बेबी, वापस उनके अंदर सर्जरी की जाती है और छिद्र को भरा जाता है, ताकि रक्त फेफड़ों में जा सके, CO2 O2 का आदान प्रदान हो सके। ठीक है भाई, फोरामेन ओवेलिस, दोनों आलिंदों के मध्य क्या पाई जाती है, खास पाई जाती है वयस्कों के अंदर। ठीक है, अगर खुला रहेगा तो फिर बच्चा जिंदा ही नहीं बचेगा। ठीक है भाई, ये आपके हो गए हृदय की पूरी क्या हो गई, संरचना। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हृदय की क्रियाविधि, फिर परिसंचरण तंत्र, जो मानव के अंदर होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, हृदय क्रियाविधि, फिर उसके बाद रुधिर वगैरह, वो सब हम आगे की क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। ये आपका हो जाएगा पार्ट 1।